ये उसके जैसे नहीं है। क्या है उसका नाम? जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये तो आपने आज 3 दिन पहले अखबारों में पढ़ा, शिवराज सिंह जी आएंगे, कहेंगे मैं घुटने टेकता हूं, मैं लेट जाता हूं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, ये तो सलमान खान और शाहरुख खान को नीचा दिखा दे। शिवराज जी बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे। ये उसके जैसे नहीं है। क्या है उसका नाम? जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? क्या मेरा कसूर है कि मैं एक गरीब के घर में पैदा हुई? क्या कसूर है कि मैं एक गरीब हूँ? मेरा क्या कसूर है कि मैं एक हरिजन एससी हूँ, मैं दलित महिला हूँ और मैं महिला हूँ? अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होगा होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की क्या मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी ऐसी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे, ऐसे मैं सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हों, चाहे कमलनाथ जी हों, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। और मैं पूरे मध्य प्रदेश के एससी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आज आपकी एक महिला आगे बढ़ रही तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री ऐसी बात करके उस महिला को दबाना चाहते हैं, घर बिठाना चाहते हैं। पर मैं अपने सारे पिताओं से जिनकी बेटियां हैं और सारे ससुरों से जिनकी बहू हैं, युवाओं से जिनकी भाभी चाची हैं, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी बात करके मुझे लज्जित किया है, मेरा अपमान किया है, एक ऐसी की महिला का आज अपमान हुआ है सब भरी मंच से। और उनकी खुद की एक महिला खड़ी थी विजय लक्ष्मी साधु, वो भी मंच पर कैसे दोनों हाथों में सर मुँह पे हाथ रख के और बगल को पीट दे के हंस रही, जब उनकी महिला हुआ इतनी इनकी शब्द सुन के और इतनी शर्मिंदा हो रही। तो आप बता दो, मैं क्षेत्र में फिर रही हूँ, मैं महिला हूँ, मैं हर गांव में जा रही हूँ, तो कल मेरे ऊपर कौन कौन क्या नहीं कहेगा जो एक महिला के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। ये कांग्रेस की का सिद्धांत, पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था कुछ, मुझे याद नहीं, मंदसौर में कुछ महिलाएं ऐसा कुछ कहा था। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम, अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। शास्त्रों में लिखा गया है यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता।
कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। कांग्रेस में कभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता, जिन शब्दों का उपयोग ऐसे नेता कर रहे हैं।